إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تبصرون وتتخذون مصانع जरूरत है वो सुधार इसमें आ जाए, वो आप ही लोग बोल सके, वो हम दुकानदारी बोल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के तो वैली के मिस्टर नासिर अल्ताफ साहब है जो इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर एरिया सेल्स के हैं, मैनेजर भी रहे, तो मैं इनका भी इस्तकबाल यहाँ पे कर रहा हूँ। और साथ ही हमारे यहाँ पे जो है वसीम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक आला जिम्मेदार है और ये मैं गुजारिश करूंगा फिलहाल साहब से जो हमारे मौजूद हाजरीन, क्योंकि आज ये मुझे खुशी हुई कि हमें आज इस महफिल में बैठने का मौका मिला। ये तो एक नहीं हो, हमें अपना बिजनेस देखना है, जो क्योंकि मैं एज चीफ स्पोक्स पर्सन कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऐसे बताऊं कि बहुत पुरानी कंपनी है, सबको ही मालूम होगा 1870 से ये कंपनी चली आ रही है। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री में सबसे पुरानी कंपनी अगर मैं बात करूं तो क्रॉम्पटन ही है। 1870 में क्रॉम्पटन ने जो स्टार्ट किया था वो पंप के बिहाफ पे शुरू किया था, उसका आगाज पंप्स को लेके हुआ, बाकी डाउन द लाइन धीरे धीरे चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो आपके फैन डिवीजन हो, चाहे अप्लाइंसेस का हो या पंप हो, पंप तो सबसे पुराना है इसमें, बाकी इनके चार ही डिवीजन है, इस चार से इन्होंने पांचवा अपना कोई डिवीजन नहीं किया कोई भी। हमारे यहाँ के ट्रेडर्स के जो मौजूद मेहमान आए हैं उनमें हमारे हैं निसार अहमद शादार साहब जो हमारे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक आला जिम्मेदार है और ये मायसुमा ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे भी फाइज है, के सदर भी है। उसके साथ ही हमारे अब्दुल मजीद भट्ट साहब हैं जो हमारे रेड क्रॉस रोड के प्रेसिडेंट साहब हैं और कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के श्रीनगर हैं। ताकि आप सबको ये रखना है कि आप सबको एक दूसरे से तालमेल बनाए रखना है और एक दूसरे को याद महाराजा डीडी गफूर इलेक्ट्रिकल्स राज एंड कंपनी आज के इवेंट से हमारे डीलर्स मीट था जी, क्रॉम्पटन की तरफ से जी। क्या प्रोग्राम है आज के दिन में? फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम वालेकुम आपके कश्मीर को पूरा। हम लोग यहाँ पे आए, क्रॉम्पटन की एक डीलर मीट थी और जिसमें जितने भी हमारे डीलर हैं यहाँ, जितने रिटेलर हैं वो सारे यहाँ पे आए और उन्हीं की वजह से कंपनियाँ चल रही हैं। जो भी आज क्रॉम्पटन ने आज मुकाम हासिल किया हुआ है तो वो रिटेलर ही हैं जो हमें बढ़ाते हैं आगे। तो इसकी वजह से एक हमने एक छोटा सा यहाँ पे मीट रखा हुआ था,
ये बहुत अच्छी तरीके से रहा और हम सब ने काफ़ी मतलब इन्जॉय किया यहाँ पे। सब ने कुछ गिफ्ट्स भी रखे हुए थे जो हमने यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इंशाल्लाह चाहेंगे कि आगे भी इस तरीके की हम मीट करते रहें और इसी तरीके से रिटेलर्स का और ज़्यादा बड़ी मीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक कोविड की वजह से हमें कंपनी एंड से बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का हमें प्रावधान नहीं मिल पाया था, बट आगे हमारी कोशिश है कि हम इससे भी बड़ी रिटेलर मीट करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब रहेंगे इन चीज़ों में। धन्यवाद, शुक्रिया। सजा साहब, आज का जो इवेंट था डीलर्स मीट का, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, आज जो है क्रॉप प्रोडक्टिंग की तरफ से यहाँ एक डीलर्स मीट का इनेकाद किया गया था, जिसमें सब डीलर्स को मदद किया गया था और उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी का जो है बढ़ावा करने के लिए एरिया सेल्स मैनेजर यहाँ आए थे, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था ताकि डीलर्स से एक तो मुलाकात हो और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए और उसकी सेल्स का जो है तयन किया जाए कि कितनी सेल्स और क्या है। तो इस हवाले से यहाँ स्टैंडर्ड होटल में जो है आज का इनेकाद किया गया और बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम है रहा, जिसमें ताजरों की तरफ से अपने इलाके को या अपनी क्रॉम्पटन लाइटिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए और ये देखने के लिए कि उसमें कोई कमज़ोरी तो नहीं है, तो बहुत ही अच्छी जो है गुप्तचनीद यहाँ पे रही और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो क्रॉम्पटन की तरफ से जो आज का इनेकाद किया गया है, ये इनका बिज़नेस फले फूले। चलिए, बात करने के लिए थैंक यू।